हेलो दोस्तों, Redmi Note 10 सीरीज का बहुत दिनों से इंतजार था हम लोगों को। फाइनली वो आज आ गया है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि ये एक रिवॉल्यूशनरी जो है मोबाइल है जो कि पूरे मार्केट को हिला के रख देगा। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सुपर एमोलेड के साथ 120 हर्ट्ज का पैनल दिया है, वो भी मात्र 15,999 रुपीज में। और जो सबसे मजेदार बात यह है कि जो Note 10 है, देखिए तीन फोन लॉन्च हुए हैं, Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max। जी हाँ, जो Note 10 है इसमें भी आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। मैं आपको बता दूं, एमोलेड का ही अपग्रेडेड वर्जन है सुपर एमोलेड, और ये थिनर होता है। और अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो ये जो डिस्प्ले होता है ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, थिनर होता है और जो फोन को लाइट बनाता है। इसमें जो लेयर्स होते हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू एमोलेड, जिसके वजह से फोन थिनर होते हैं। तो और भी ज्यादा जानते हैं Note 10 सीरीज के बारे में, तो मैं हूं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Note 10 की। अब देखिए 11,999 रुपीज में आपको सुपर अमोलेड फुल HD प्लस का पैनल मिलता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं K20 प्रो आया था जिसकी प्राइस 25,000 रुपीज थी, जो सबसे लेस कॉस्ट चार्ज करता था K20 प्रो, वहां पे आपको एमोलेड देखने को मिलता था। और भी सारे फोन्स आए, मैं आपको बता दूं Realme के 7 प्रो मॉडल आए जहां पे आपको एमोलेड देखने को मिला 60 हर्ट्ज का। जी हाँ, और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है वही सेम डिस्प्ले सिर्फ 11,999 रुपीज में। जी हाँ, Note 10, जी हाँ Redmi Note 10। तो मैं आपको बता दूं ये एक रिवॉल्यूशनरी है जो है पूरे स्मार्टफोन कंपनीज के लिए, क्योंकि अब कोई भी फोन्स या कंपनीज मोबाइल लॉन्च करेंगी तो इसका ध्यान जरूर रखेंगी, क्योंकि सुपर एमोलेड जो पैनल होता है वो सारे पैनल से बेहतर होता है। जी हाँ, जो भी IPS होते हैं, जो भी अदर डिस्प्ले होते हैं। जी हाँ, तो सारे जो ब्रांड्स हैं वो इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर इसके बिलो अगर वो देंगे तो सारे लोग Redmi प्रीफर करेंगे, तो जिसकी वजह से कंपटीशन जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है। जो और कंपनियां आएंगी वो कंपटीशन को और भी मजेदार बनाने वाली हैं। जी हाँ, तो Note 10 में मैं आपको बता दूं 6.43 इंचेस का फुल HD पैनल, वो भी सुपर एमोलेड प्लस, 33 वाट का फास्ट चार्जर, स्नैपड्रैगन 678 जिसकी बेंचमार्क है लगभग, मैं आपको बता दूं 2,20,000, जो कि काफी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 675 से बेहतर है। जी हाँ, डुअल स्पीकर दिया गया है, स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। जी हाँ, 5,000 mAh की बैटरी है, 48 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल आपको वाइड एंगल मिलता है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। Note 10 में IR ब्लास्टर भी मिल जाता है और गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है। मतलब इतने सारे चीजें एक फोन में सिर्फ 11,999 रुपीज में, मतलब अनबिलीवेबल है। जी हाँ, अनबिलीवेबल है। ये तो रही Note 10 की बात। अगर मैं बात करता हूँ Note 10 Pro और Note 10 Max Pro, देखिए ये दोनों जो फोन है इसमें सिर्फ कैमरे का अंतर है। जी हाँ, जो Note 10 Pro Max है इसमें दिया गया है, मैं आपको बता दूं, 108 मेगापिक्सल का जो ISO सेल थर्ड जनरेशन सैमसंग का सेंसर दिया गया है। अगर मैं बात करता हूं Note 10 Pro में, तो यहां दिया गया है 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर दिया गया है। तो यही अंतर है Note 10 Pro और Note 10 Pro Max में। जी हाँ, अगर मैं उसके फीचर्स की बात करूं तो मैं आपको बता दूं 6.67 इंचेस का आपको सुपर एमोलेड पैनल, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर Note 10 की बात करूं तो वहां पे आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज मिलता है, यहां पे आपको 120 हर्ट्ज मिलता है और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग यहां पे भी आपको देखने को मिलता है, जो कि Note 10 में देखने को मिल रहा था। अगर मैं बात करता हूं प्रोसेसर के, यहां मिलता है स्नैपड्रैगन 732G। जी हां, 732G यहां पे मिलता है, जिसकी बेंचमार्क मैं आपको बता दूं 2,90,000 के आसपास, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर माना जाता है, जो कि बहुत ही कंपनीज यूज किए हैं इस प्रोसेसर को, तो ये एक अच्छा प्रोसेसर है। जी हाँ, 3 लाख बेंचमार्क का प्रोसेसर जो है काफी बढ़िया है, गेमिंग काफी अच्छे से होती है। जैसे हम लोगों ने पोको X3 में देखा कि जो है सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन्स में से एक है वो, तो आप समझ सकते हैं कि यह कैसा प्रोसेसर है। इसमें भी आपको डुअल स्पीकर स्टीरियो मिलता है, यहाँ पे अभी आपको बैटरी 5000 mAh की मिल जाती है, 5020 mAh की मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ कैमरे की, तो जैसे मैंने आपको बताया Note 10 Pro में जो मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ Note 10 Pro Max की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का रियर सेंसर मिलता है,
8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसमें भी आपको आईआर ब्लास्टर मिल जाता है, कॉर्निया गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टेड है। और लुक और डिजाइन की बात करूं तो ये बहुत ही बढ़िया है जी हाँ, ये फोन की बात ही अलग है। मैं आपको बता दूं ये एकदम से मार्केट में एकदम बताया एकदम बॉम्ब की तरह है आया है और अदर कंपनीज को जैसे साइड में कर दिया है, जैसे कुछ ब्लास्ट होता है तो उतने दूरी खत्म हो जाता है सारी चीजें, तो वैसे ही ये फोन आया है तो मार्केट में ब्लास्ट कर दिया है। और अभी कोई भी कंपनीज जो है वो इसके अगल बगल नहीं है, क्योंकि जितने स्पेसिफिकेशंस Redmi दे रहा है अभी Note 10 सीरीज में, Note 10 Pro में, Note 10 Pro Max में, वो अभी कोई भी कंपनीज नहीं दी है इसके पहले। तो उम्मीद है जो Realme है आएगी वो इसका खास ख्याल रखेगी। अगर Note 10 Pro की बात करूं तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 15,999 रुपए से, 6GB 64GB। अगर मैं बात करता हूँ 6GB 128GB तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 16,999 रुपए से। अगर बात करते हैं 8GB 128GB तो 18,999 रुपए। अगर बात करूं Note 10 Pro Max की तो वहां पे स्टार्ट होता है 6GB 64GB 18,999 रुपीस, 6GB 128GB 19,999 रुपीस, 8GB 128GB 21,999 रुपीस। तो ये है Note 10 Pro Max का जो है प्राइस। अगर मैं बात करता हूं Note 10 तो ये दो वेरिएंट में सिर्फ 6GB 64GB और 6GB 128GB, इसकी कॉस्ट है 11,999 रुपीस और जो दूसरा वेरिएंट उसकी कॉस्ट है 13,999 रुपीस। तो आप देख सकते हैं प्राइस का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल ही मैं आपको बता दूं मार्केट को एकदम बदल के रख देगा ये मैं आपको बता दूं। अगर जो भी नेक्स्ट फोन आने वाले हैं, अगले फोन आने वाले हैं, जो भी फोन जो 720p डिस्प्ले रहेंगे उसमें भी पूरी उम्मीद है कि जो Redmi है वो एमोलेड पैनल ही देगा, जिसके वजह से लोगों को अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो ये मेरा टेक था Note 10 सीरीज के ऊपर। मैं आपको बता दूं बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी सारी चीजें इस प्राइस सेगमेंट में मिल सकती हैं। जी हाँ, K20 Pro उन्होंने लॉन्च किया था तो काफी अच्छा फोन था, लेकिन वहां पर रिफ्रेश रेट था वो 60Hz था, और यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ 15,999 रुपीज में, 18,999 रुपीज में, मतलब आपको 120Hz सुपर एमोलेड प्लस जो पैनल मिल जाता है आपको, तो क्या चाहिए, मतलब सारी चीजें इसमें दी गई हैं, सारी चीजें से लोडेड ये फोन है, इसमें सारी चीजें हैं जो चीज आप एक स्मार्टफोन में ढूंढते हैं। जी हाँ, मतलब 15,999 रुपीज एकदम अनबिलीवेबल प्राइस है। जी हाँ, आपको अगर सुपर एमोलेड पैनल चलाना है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।